हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं पायल और आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं परफेक्ट व्हिप्ड क्रीम बनाने की रेसिपी। व्हिप्ड क्रीम मैं बनाऊंगी नहीं, लेकिन उसको व्हिप कैसे करते हैं ये मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। तो मैंने यहाँ ट्रोपोलाइट की व्हिप क्रीम ली है, ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, और इसे आप फ्रीज़र में स्टोर करके रखते हैं और जब आपको व्हिप करनी होती है उसे 2 से 3 घंटे पहले आप इसे फ्रिज में रख देंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरीके की है, हालांकि ये पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हुई है और मुझे थोड़ी सी जल्दी है, इसलिए मैं अभी ही इसे व्हिप करूँगी। तो हम ले लेंगे एक हैंड ब्लेंडर और इसके सबसे स्लो पॉइंट 1 नंबर पर इसे 1 मिनट तक चर्न करेंगे। जब ये अच्छी फ्लफ़ी हो जाए तो धीरे धीरे इसकी जो पॉइंट्स हैं वो हम बढ़ाएंगे और 5 तक लेकर जाएंगे। बहुत ही अच्छी फ्लफ़ी बनती है ये क्रीम, तो एक बार आप इसे घर पर ज़रूर ध्यान रखें कि व्हिप्ड क्रीम हमेशा चिल्ड होनी चाहिए। गर्मियों के दिन में आप जो बोल है और जो ब्लेड है हैंड ब्लेंडर को, उसको भी फ्रीज़र में रख कर बिल्कुल अच्छे से चिल्ड कर लें, अदरवाइज़ आपकी जो क्रीम है वो मेल्टेड ही रहेगी, व्हिप नहीं होगी। तो ये देखिए आफ्टर 3 to 4 मिनट्स मेरी जो क्रीम है वो व्हिप हो चुकी है और अब ये बोल से बिल्कुल भी नहीं सरक रही, मतलब ये परफेक्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पर आप अपने मनपसंद कोई भी एसेंस या फिर कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ मिक्स फ्रूट केक बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें मिक्स फ्रूट जो फ्लेवर है वो ऐड करूँगी। केक में कोई कलर मैंने ऐड नहीं किया है, इसलिए इसे वाइट ही रहने दूँगी। 1 मिनट और चर्न करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो व्हिपिंग क्रीम है वो बिल्कुल रेडी है।